बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म जल्द ही रिलीज हो रही है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा विवाद हो गया। इस मूवी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की कहानी दिखाई गई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिर तक काटने की बात की जा रही है। वहीं इस पर अब कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अकाली दल नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां आ रही हैं, कि कंगना को पता है रेप क्या होता है, इस तरह से मेरी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस जारी किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा महिला आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें सिमरनजीत सिंह मान के कंगना रनौत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 5 दिन के अंदर माफी मांगी और हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने अपनी सफाई देने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म जल्द ही रिलीज हो रही है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा विवाद हो गया। इस मूवी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की कहानी दिखाई गई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिर तक काटने की बात की जा रही है। वहीं इस पर अब कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अकाली दल नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां आ रही हैं, कि कंगना को पता है रेप क्या होता है, इस तरह से मेरी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस जारी किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा महिला आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें सिमरनजीत सिंह मान के कंगना रनौत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 5 दिन के अंदर माफी मांगी और हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने अपनी सफाई देने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।